जय भोलेनाथ, जय शिव शक्ति। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। आज हम एक वीकली रीडिंग बनाने जा रहे हैं फॉर द कैप्रिकॉर्न साइन यानी कि मकर राशि के लिए, और देखेंगे आने वाला ये जो हफ्ता है आप लोगों के लिए कैसा रहेगा। बात करेंगे आपकी लव लाइफ की, फिर करियर की, एंड इन द एंड एज यू ऑल नो वी विल पुल सम कार्ड्स फॉर गाइडेंस। जो लोग पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं, आई वेलकम यू। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग ऑन अ वेरी पॉजिटिव नोट, और देखते हैं कि ये जो हफ्ता है आप लोगों के लिए कैसा जाने वाला है। फॉर ऑल द कैप्रिकॉर्न पीपल, ओके कैप्रिकॉर्न पीपल स्टिल इन द बिट्रेयल जोन। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको यू नो बैक स्टैप किया गया है या ऐसा कुछ है, और आप फील कर रहे हैं ऐसा कुछ, लेकिन स्टिल मुझे ऐसा लग रहा है कि आप उसमें से यू नो लाइक बाहर निकल रहे हैं। आप उस जोन में से बाहर, कुछ लोगों के लिए हो सकता है आप ऑलरेडी निकल चुके हैं, ठीक है, एंड यू आर लाइक फाइनली वेटिंग फॉर लाइक यू आर रेडी टू टेक अ लीप ऑफ फेथ टूवर्ड्स समथिंग न्यू। और कुछ लोग हैं जो अभी भी स्टिल कहीं ना कहीं उस जोन में हैं। ऑन द अदर हैंड आपके जो पार्टनर हैं दे आर यू नो रिफ्यूजिंग, या मे बी दे आर लिटिल क्लोज्ड ऑफ। बहुत स्लो एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है, बातें आगे नहीं बढ़ रही हैं। मे बी हो सकता है दिस पर्सन इज़ लाइक यू नो लाइक कुछ ना कुछ है, मे बी दे आर मैरिड, मे बी ये चीज़ें भी मुझे दिखाई दे रही हैं। एंड मोर ओवर वो भी चाहते तो हैं कहीं ना कहीं लाइक टू बी इन अ पीसफुल जोन, बट चीज़ें हेल्प नहीं हो रही है। आप लोगों के बीच में स्लो हैं चीज़ें, एंड थर्ड पार्टी भी हो सकता है आप लोगों के बीच में हो, और ये जो पर्सन है इस वजह से भी हो सकता है क्लोज्ड ऑफ हो। नाउ अगर आप मुझे पूछें कि व्हाट विल बी योर पर्सन्स नेक्स्ट मूव, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो पर्सन है दे आर होल्डिंग इमोशंस। मे बी इट्स अबाउट यू नो मैरिज, या मे बी ये जो पर्सन है लाइक कोई यहाँ है, कोई कनेक्शन में है, थिंग्स आर फॉलिंग अपार्ट इन योर लाइफ, मुझे ये भी चीज़ें दिखाई दे रही हैं। येस डेफिनेटली थर्ड पार्टी मुझे दिखाई दे रही है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है इट्स अबाउट क्लियर कम्युनिकेशन, लाइक आप अपने रिलेशनशिप में इस पर्सन से क्लैरिटी चाहते हैं क्लियरली फाइनली, राइट, कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा। एंड मे बी इट हो सकता है इट्स ऑल्सो अबाउट यू नो गेटिंग सेपरेटेड फ्यू ऑफ यू, लेकिन कुछ लोगों के लिए हो सकता है इट्स अबाउट कि अपने रिलेशनशिप में क्लैरिटी लाना कि क्या है क्या नहीं है, बिकॉज मुझे डेफिनेटली थर्ड पार्टी या बिट्रेयल या ये चीज़ें दिखाई दे रही हैं, तो वो भी आप लोगों के लिए हो सकता है। फॉर ऑल यू कैप्रिकॉर्न पीपल, इस हफ्ते मुझे क्लैरिटी, और कुछ लोगों के लिए हो सकता है इट्स अबाउट क्लियर कम्युनिकेशन, कुछ लोगों के लिए हो सकता है इट्स अबाउट कटिंग समबडी आउट ऑफ योर लाइफ, ये भी चीज़ें मुझे दिख रही हैं जो इमोशंस को होल्ड कर रहे थे। इट्स अबाउट चेंजिंग योर सेल्फ, ठीक है, ये भी चीज़ें हो सकती हैं। चलिए अब बात करते हैं आपके करियर की, कि कैप्रिकॉर्न पीपल के लिए उनका करियर कैसा रहेगा आने वाले ये जो हफ्ता है इसमें। ओके इट्स अबाउट मुझे ऐसा लगता है कि आप बैलेंस लेके आना चाहते हैं, यू आर फाइटिंग फॉर दैट, ठीक है, स्ट्रगल तो है लेकिन आप यू नो यू आर कॉन्स्टेंटली फाइटिंग फॉर दैट, और बैलेंस आएगा, न्यू अपॉर्चुनिटी आएंगी मुझे लगता है फॉर ऑल द कैप्रिकॉर्न पीपल। एंड कुछ लोगों के लिए मुझे ये दिखाई दे रहा है कि दैट यू आर वॉकिंग अवे, आप कहीं से यू नो शिफ्ट होना चाहते हैं, मूव होना चाहते हैं टूवर्ड्स बेटर प्लेस। हो सकता है कि आप चाहते हो कि लाइक ट्रैवल करके कुछ और सेटअप करना, या किसी और ऑफिस और में ज्वाइन करना, या ये चीज़ें भी मुझे दिखाई दे रही हैं। एंड इट्स अबाउट पोजिशन, ठीक है, सो वो चीज़ें मुझे दिखाई दे रही हैं। एंड कुछ लोगों के लिए हो सकता है इट्स अबाउट फाइनली लाइक आप एक तरह का आपकी करियर में बैलेंस आ रहा है फॉर कैप्रिकॉर्न पीपल, स्पेशली मुझे ये दिखाई दे रहा है। येस यू आर वरीड अबाउट योर मनी, मुझे लगता है बहुत ज़्यादा सोच भी रहे हैं, ठीक है, और वरीड भी कहूँगी, या मे बी इट्स अबाउट कि आप उस जोन में आ चुके हैं कि आई वॉन्ट टू अचीव दैट कैप्रिकॉर्न पीपल के लिए। तो लेट्स पुल सम कार्ड्स फॉर गाइडेंस। क्या गाइडेंस है फॉर ऑल द कैप्रिकॉर्न पीपल? यस, हो सकता है कि वर्क रिलेटेड आप बहुत ज़्यादा बिजी रहे इस हफ्ते, कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है, राइट, और यू नीड टू यू नो
अच्छा कुछ लोगों के लिए मुझे दिखाई दे रहा है दैट यू नीड टू ओपन अप योर हार्ट चक्रा. वी हैव आर्कएंजल रफाइल. ठीक है, यू आर लाइक कहीं ना कहीं ऐसा है कि आप अपने आप को ना लाइक आपने बांधा हुआ है, यू स्टिल लाइक स्टक इन अ सिचुएशन. जैसा कि मैंने पहले भी कहा था स्टार्टिंग में कि हो सकता है आप किसी कनेक्शन में हो एंड स्टिल आप उसी लाइक उसी जगह पे स्टक हैं. इट्स नॉट फॉर एवरीबडी. मे बी हो सकता है आप को डिपेंडेंट हो रहे हो. कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि इट्स अबाउट लाइक फाइनेंशली चीज़ें बदलने वाली हो. कुछ लोगों के लिए हो सकता है इट्स अबाउट लव कि आप यू नो बहुत ज़्यादा आप उस सिचुएशन में हैं अभी और यू नीड टू एक्सपैंड योर फोर्थ चक्रा दैट इज़ हार्ट चक्रा. आपको ओपन अप करने की ज़रूरत है. हो सकता है कि कोई नया कनेक्शन आपके लिए आए एंड स्टेबिलिटी आए आपके कनेक्शन में. आप हो सकता है कि क्लोज्ड ऑफ है. आपको थोड़ा सा अपने आप को इन चीज़ों से निकालने की ज़रूरत है. अपने आप को और एक नया नज़रिया रखने की ज़रूरत है. अपने हार्ट चक्रा पर काम करने की ज़रूरत है. तो ये भी चीज़ें एंड ये भी है कि आपके लिए फिर एक नया कनेक्शन हो सकता है वेट कर रहा हो. तो वो चीज़ें आपको देखने की ज़रूरत है. राइट, एंड फॉर अदर्स इट्स ऑल अबाउट योर फाइनेंशियल थिंग्स. आप बिजी होने वाले हैं या मे बी हो सकता है अपॉर्चुनिटीज़ आने वाली हैं. तो होल हार्टेडली आप वेलकम कीजिए और हो सकता है कि आप हैप्पी होने वाले हैं, कंटेंट फील करेंगे. या सो ये थी आपकी रीडिंग फॉर ऑल द कैप्रिकॉर्न पीपल. आई होप आपको पसंद आई हो. मिलती हूँ नेक्स्ट टाइम. टिल देन टेक केयर. बाय. अपना ख्याल रखिए.